और नॉन एकेडमिक पोजिशन है उन सभी के लिए ये अपॉर्चुनिटी ओपन है तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और क्वालिफाइड हैं तो यू कैन एक्सप्लोर और अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लें क्योंकि हम डेली बेसिस पर इसके थ्रू वैकेंसीज आपके साथ शेयर करते रहते हैं और वो आपके पास तक पहुंचती रहेंगी और जरूर शेयर करें ये दूसरों के साथ अगर आप इसमें इंटरेस्टेड ना हो या क्वालिफाइड ना हो इस पर्टिकुलर पोजिशन के लिए तो आइए मैं दिखाता हूँ ये कहाँ पे है और आप कैसे और कब तक इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो ये जो वैकेंसीज़ है, हैं की उनको है, भौतिकी में रसायन में भौतिकी यानी फिजिक्स में रसायन यानी केमिस्ट्री जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में गणित में कंप्यूटर साइंस में इंग्लिश में हिंदी में अर्थशास्त्र राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन सभी पोजीशंस में पीजीटीज को वो बेसिकली रिक्रूट करेंगे और उसके लिए ये यो योग्यता है क्वालिफिकेशंस है आपने कम से कम 50% मार्क्स के साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन करा हो और साथ में बीएड आपने करा हो और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप पढ़ा सकें वो आपकी क्षमता होनी चाहिए उसके बाद जो फिर टीजीटीज की वैकेंसीज हैं मैथ्स में इंग्लिश में हिंदी में फिर साइंस uh, के लिए एस के लिए और संस्कृत के लिए तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपका मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन साथ में बी और सी भी आपने करा हो और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आप पढ़ा सकें ये कैपेबिलिटी uh, होनी चाहिए पी की वैकेंसीज है उसके लिए इंटरमीडिएट uh, या उसके समकक्ष जो कोई आ, 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 और डिप्लोमा हो और साथ में आपने डीएड या डीएलएड या बीटीसी या जेबीटी करा हो और हिंदी और इंग्लिश में आप पढ़ा सके फिर म्यूजिक टीचर की पोजीशन है उसके लिए भी हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट और साथ में 50 परसेंट मार्क्स के साथ आपने या तो स, या तो म्यूजिक में ग्रेजुएशन करा हो या फिर स्पेशलाइजेशन आपने करा हो कोई और रेलिवेंट डिप्लोमा आपने करा हो उसके अलावा और फिर कुछ स्पोर्ट्स टीचर की रिक्वायरमेंट है कबड्डी और खो खो योगा और आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी आपने जो रेलिवेंट स्पोर्ट है उसमें आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री आपने करी हो तब आप उसके लिए क्वालिफाइड है अप्लाई करने के लिए स्टाफ नर्स की भी ओपन पोजिशन है उसके लिए नर्सिंग में डिप्लोमा या तो आपने करा हो या फिर उसके समकक्ष कोई कोर्स आपने करा हो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भी पोजीशन है जिसके लिए आपने बी बीटेक या फिर बीएससी या फिर एमएससी आपने करा हो और उसके बाद आपने किसी भी सब्जेक्ट में या फिर पीजीडीसीए या फिर डी का ए ओ लेवल कोर्स आपने करा हो तो ये सारी पोजिशन यहाँ पे हैं और आपको ऑब्वियसली क्वालिफिकेशन खुद ही देखनी होगी कि आप क्वालिफाइड हैं जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और जो इसमें नीचे ये भी मेंशन है कि टीजीटी एवं पीआरटी के जो पद हैं उसमें जो इन्होंने क्लियर नहीं भी कर रखा है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं और अगर उनको जो है सफिशिएंट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस नहीं मिलते हैं सीटेड क्वालिफाइड लोगों के तो बिना सीटेड क्वालिफाइड लोगों को भी कंसिडर करा जा सकता है इसमें और uh, ऑब्वियसली जो इंटरव्यू होगा इसमें उसमें उसका जो एक्सपेंसेस वगैरह है वो आपने अपने आप से जो है उसका केयर करना होगा वो पे नहीं करेंगे उसके लिए और आपने अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर मेंशन करना है क्योंकि उसके ऊपर आपको जानकारी दी जाएगी तो ये जो आया हुआ है नोटिफिकेशन और ये उसके क्राइटेरियाज हैं केंद्रीय विद्यालय लखनपुर में ये है जम्मू एंड कश्मीर में और कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर अपॉइंटमेंट है एक ही आ, स्कूल में ये है आपकी एज लिमिट 18 से 65 के बीच में हो सकती है तो आप 18 से 65 के बीच में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ये इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था इसका 12 फरवरी इसकी लास्ट डेट है है ना तो ये इसका आप ध्यान रखें स्कूल की वेबसाइट ये है लखनपुर डॉट के एस डॉट ए सी डॉट इन वेबसाइट है इसके ऊपर जब आप अनाउंसमेंट्स के अंदर जाएंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको दिख जाएंगे तो यहाँ पे जो है फॉर्मेट दिया हुआ है जो आपने जिस फॉर्मेट में प्रिंट आउट लेके आपने भेजना है उसके बाद एडवर्टीजमेंट है जो अभी अभी हमने आपको दिखाया और फिर नीचे क्राइटेरिया है जो जो भी हमने आपको दिखाया कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी आपने चाहिए होगी और स्कूल को आपने फॉर्म भेजना है इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बारह फरवरी से पहले तो अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं इसके लिए वेबसाइट ध्यान से नोट कर लें लखनपुर केंद्रीय विद्यालय लखनपुर की ये वेबसाइट है और उसी से हमने ये आपको डाउनलोड करके दिखाया है सो होप इट वुड बी यूजफुल फॉर सम ऑफ यू एटलीस्ट विल अगेन कम बैक विथ समीज थैंक्स फॉर वॉचिंग